दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। 5 फरवरी को सूर्य ग्रहण इन 4 राशियों को मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस वर्ष का सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बहुत ही मंगलकारी होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का असर कुछ राशियों पर पड़ने वाला है, जिसके फलस्वरूप उन्हें धन संपत्ति तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी भी राशि इन भाग्यशाली राशियों में शामिल है तो आपके लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, इसे हाथ से जाने ना दें। सूर्यदेव की कृपा को आप संपूर्ण रूप से प्राप्त करें। साल का पहला सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा यह जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण 5 फरवरी दिन सोमवार को लगने वाला है। बसंत पंचमी के आसपास के समय में पड़ने के कारण इसे दुर्लभ और खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता। दिन के समय में सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते। इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इसमें विभिन्न निर्माण हो जाते हैं। इस सूर्य ग्रहण को देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा और कई देशों में दिखेगा। यह ग्रहण 5 फरवरी को शाम 4:29 से शुरू होगा और 5:42 पर समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाएगा और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ग्रहण काल से पहले भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डालते हैं। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता है। सूतक काल में भोजन मना और भोजन ग्रहण करना भी अशुभ माना जाता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला पर ये यानी विशेष सावधानी बरतें। उन्हें घर से बाहर न निकलें और न ही सुई कैंची चाकू आदि का उपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम खगोलकाय नमः और ओम सूर्यदेवाय नमः। यह मंत्र का जाप करें। स्वयं सूर्यदेव ने इस मंत्र को बनाया है। इस मंत्र का उच्चारण करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के हो जाने के बाद तुरंत बाद घर में शुद्ध यानी इसे करें गंगा जल से शुद्ध करें। घर के मुख्य द्वार पर और घर के कोने कोने पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण काल के बाद स्नान करें और पूजा स्थल की सफाई करें। साथ ही साथ देवी देवताओं की मूर्तियों को गंगा जल से शुद्धिकरण करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद दान धर्म अवश्य करें। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा पर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन साल का यह सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव मौसम सहित राजनीति पर भी दिखेगा। इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कुछ राशियों के जातक धन दौलत पाकर मालामाल बनने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव इन कुल विशेष राशियों पर पड़ने को देखने को मिलेगा। उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी और अपार धन लाभ होने की संभावना है इन राशियों को। आइए जान लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली राशि है यहाँ पर मेष राशि। मेष राशि को 5 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और यह ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभकारी साबित होगा। धन संपत्ति में इजाफा प्राप्त करेगा, लॉटरी लग सकती है, इनकम बढ़ेगी, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, व्यापार में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, कारोबारियों के लिए काफी खास रहेगा, बिजनेस व्यापार में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, जो कार्य रुके हुए थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं, नजदीकी व्यापारियों के लिए काफी खास रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, जो कार्य काफी समय से यानी कि रुके हुए थे धन प्राप्ति के लाभ के योग बनेंगे, जो कार्य अधूरे थे उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। बता दें कि किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अनेक प्रकार की सुख सुविधा में वृद्धि होगी, लगातार आवक बढ़ेगी, जो कार्य पेंडिंग थे अधूरे थे उन्हें पूरा कर सकते हैं,
धन संपत्ति के मामले में काफी लकी रहेंगे। नजदीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होकर रिश्तों में मधुरता बने रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लॉटरी लगने की संभावना है, इनकम बढ़ने की संभावना है, कुछ अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे। महत्वपूर्ण धन संपत्ति में तेजी से अर्जित करने का मौका मिलेगा। अब अगली भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को इस बार यह सूर्यग्रहण आपके लिए काफी लकी रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। भाग्य साथी में आसमान पर रहेगा, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, धन इनकम में बढ़ोतरी होगी, कामकाज के मामले में काफी लकी रहेंगे। इसमें नई जॉब की संभावना बन सकती है। सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। नजदीकी मित्र का भी सहयोग प्राप्त होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है, धन प्राप्ति के अनेक लाभ मिलेंगे और साथ ही साथ नजदीकी मित्र का भी सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए तो यह समय काफी अच्छा रहेगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा। महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, जो कुछ रुके हुए थे पेंडिंग काम थे उन्हें भी पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही विदेश जाने का योग बन रहा है, विदेश में कोई कारोबार चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो विशेष मान सम्मान की प्राप्ति और अधिक से अधिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नजदीकी मित्र का भी लाभ मिलेगा। अब अगली तीसरी भाग्यशाली राशि दोस्तों आती है तो यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि को अब आपको मालामाल बनने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यह सूर्यग्रहण आपके लिए काफी शुभ रहेगा। साथ ही वित्तीय मामले में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में राहत भरी सांस मिलेगी। उधार लिया हुआ पैसा मिलेगा तो किसी से मदद की आश लगाए बैठे हैं तो इसमें संभावना नजर आ रही है। वित्तीय मामले में सुधार होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कामकाज के मामले में लकी रहेंगे, कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे, जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए काफी खास समय रहेगा, निश्चित ही इसमें आपकी आमदनी बढ़ेगी, जो कुछ अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। नजदीक के किसी अपने लोगों से भी मदद मिल सकती है, रिश्तों में मधुरता रहेगी, पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर रहेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, संतान को लेकर भी समस्याएं दूर होंगी, जो कुछ अधूरे कार्य थे पेंडिंग थे उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें कि इसमें लेन देन ना करें, किसी को उधार कर्जा ना दे, वर्षा पैसा फंस सकते हैं, अटक सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता भी बनी रहेगी। अगली भाग्यशाली राशि है दोस्तों जो मालामाल बनने वाली है वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि इस बार सूर्यग्रहण आपके लिए लकी रहेगा, धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त कराएगा, कुछ विशेष अवसर प्राप्त होंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी, नजदीक किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही साथ इसमें मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा भी धन लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ घर में पिता के सेहत में सुधार होगा, माता के सेहत में थोड़ी चिंताजनक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होगा, धर्म कर्म के कार्य में जुटे रहेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, किसी अपने के द्वारा किसी महत्वपूर्ण कार्य पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कामकाज में विशेष लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी खुशखबरी प्राप्त होगी। बता दें कि पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, जो कुछ अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। नजदीक के किसी पास के रिश्तेदारों से सहयोग की प्राप्ति होगी, जॉब लगेगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, बिजनेस व्यापार में कोई डील फाइनल होगी, अविवाहित जातकों के नए रिश्ते आएंगे जिससे घर में खुशियां प्राप्त होंगी, साथ ही साथ कुछ अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे। बता दें कि लॉटरी सट्टा से भी लाभ होगा, शेयर मार्केट में भी लाभ होगा और स्टूडेंट हैं जो विद्यार्थी हैं कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, शिक्षा से जुड़ी कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। इसमें जो कुछ एग्जाम वगैरह भी चल रहा है उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। साथ ही किसी बड़े संस्था से संपर्क में आ सकते हैं, किसी विशेष कार्य को पूरा कर सकते हैं, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। अगर आप दलाली के काम करते हैं, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा। लाभ तो इतना होगा कि धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अब अगली भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि को इनकम भी बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ भी मिलेगा, धन प्राप्ति के अनेक अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए काफी अच्छा रहेगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, जो कुछ नई कार्य बन रहे थे महत्वपूर्ण यानी कि जो रुकावटें थी उन सभी रुकावटों पर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग बनेंगे, नई जॉब की संभावना है, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, संतान की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से लाभ होगा, जीवन साथी से और प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट उपहार देंगे, उनके साथ काफी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, प्रेम जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी, उधार लिया हुआ दिया हुआ पैसा वापस मिलता हुआ नजर आएगा, कामकाज में काफी अच्छा रहेगा और स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में अच्छी खासी आमदनी के सोर्स बढ़ते नजर आएंगे। तो दोस्तों इन राशियों के लिए यह सूर्यग्रहण काफी लकी रहेगा, शुभ रहेगा, इनके भाग्य को साथी में आसमान पर ले जाकर करेगा। तो दोस्तों
जो कुछ भी राशि बची है, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं अपनी राशि का हाल, तो वीडियो के कमेंट में जरूर आप लिख दीजिएगा अपनी राशि का नाम, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव।